गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में फिर से हम एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। थ्री कंसिक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, थ्री कंसिक्यूटिव नंबर इंटीजर हमें फाइंड करने हैं। लास्ट वीडियो में हमने को एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कंसिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यूस होते हैं, जैसे 8, 9, 10, तीनों क्या होंगे कंसिक्यूटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें थ्री कंसिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले तीनों कंसिक्यूटिव इंटीजर को क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो लेट थ्री कंसिक्यूटिव, लेट थ्री कंसिक्यूटिव इंटीजर्स इंटीजर्स आर क्या हैं, देखिए हम हाँ ले लेते, फर्स्ट इंटीजर को हम ले लेते हैं एक्स। इसके बाद सेकंड क्या होगा, इसके बाद कौन सा कंसिक्यूटिव इंटीजर आएगा, एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन के बाद कौन सा होगा, एक्स प्लस टू। तो देखो ये हमने तीनों क्या ले लिए, कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, और ये तीनों हमने कौन से ऑर्डर में लिए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए ये सेकंड कंसिक्यूटिव इंटीजर है, ये थर्ड। अब आप देख सकते हैं सेकंड वाला फर्स्ट से एक ज़्यादा है और थर्ड वाला सेकंड से एक ज़्यादा, जैसे 3, 4, 5 होते हैं ऐसे ही ये तीनों क्या हैं, कंटिन्यूस थ्री कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, उसने हमें बोला है अगर हम इन तीनों कंसिक्यूटिव इंटीजर में फर्स्ट इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में 3 से और थर्ड में 4 से, और उसके बाद फिर सबको ऐड करते हैं तो सम कितना होगा, 74। ठीक है चलिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनेगा। देखिए उसने क्या बोला है, फर्स्ट इंटीजर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स को। सेकंड को क्या करना है, एक्स प्लस वन को सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड इंटीजर एक्स प्लस टू, इसे क्या करना है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इंटीजर को 3 से और थर्ड को 4 से। उसके बाद हमने तीनों को क्या किया, ऐड, तीनों को ऐड किया, तो तीनों का सम कितना होगा, क्या गिवन है हमें, तीनों का सम 74। तो तीनों का सम क्या होगा, 74। अब क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 3 1 जा 3 प्लस, अब 4 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे, पहले 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 74। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद 18 प्लस दैट, देखो अब पहले x को काउंट कर लेते हैं, 2x और 3x कितना होगा, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 9x, ये हो जाएगा 9x। ठीक है अब कॉन्स्टेंट को काउंट कर लेते हैं, प्लस 3 एंड प्लस 8 कितना होगा, 8 प्लस 3 11, प्लस 11 इज इक्वल टू 74। तो देखो इक्वेशन आ चुका है हमारे पास, हमने जो प्रॉब्लम था उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करना है हमें, इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 11 को हटाना होगा, 11 को हटाने के लिए क्या चाहिए हमें, माइनस 11, तभी 11 से माइनस 11 से प्लस 11 कैंसिल होगा। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड से क्या करेंगे, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 9x प्लस 11, इसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
राइट हैंड साइड में क्या है 74, इसमें से भी 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो प्लस 11 से माइनस 11 कैंसिल हो जाएगा, 18 प्लस दैट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा केवल 9x, और राइट हैंड साइड में 74 माइनस 11 कितना होगा 63। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से 9 को हटाना है तभी तो x का वैल्यू हमें मिलेगा। तो 9 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, वी गेट दोनों साइड को 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 9x, इसको हमने क्या किया 9 से डिवाइड, राइट हैंड साइड में क्या है 63 9 राइट हैंड साइड में क्या है 63, इसको भी हमने 9 से डिवाइड किया, दोनों साइड को हमने क्या किया 9 से डिवाइड किया। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल x बचेगा और राइट हैंड साइड में 63 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 जा क्या होता है 63, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो देखो x का वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है, और x आपने क्या एज्यूम किया था फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, आपने तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर आपने एज्यूम किए थे, फर्स्ट वाला क्या था 7, तो सेकंड क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, और थर्ड वाला 7 प्लस 2 9। तो हम यहाँ पे देखो आपने जो यहाँ पर तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर एज्यूम किए थे, फर्स्ट आपने एक्स एज्यूम किया था तो एक्स का वैल्यू तो आपको मिल चुका है 7, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 7, सेकंड क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 इट मींस 8, और थर्ड वाला इंटीजर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 9, तो क्या हो जाएंगे 7 8 9। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे हैंस 3 consecutive integers आर क्या क्या होंगे, फर्स्ट 7 होगा, फिर 8 एंड 9, ये तीनों consecutive integer होंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 द एजेस, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण, देखिए दो यहाँ पर हैं, दो पर्सन राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, दोनों की एज का रेशियो क्या है 5:7। ठीक है, 4 years लेटर, 4 साल के बाद द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 years, और 4 year के बाद दोनों की टोटल एज कितनी हो जाएगी 56 year, व्हाट आर दियर परसेंटेज, दोनों की हमें परसेंटेज बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोनों की परसेंटेज को हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर 9। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की एज को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द परसेंटेज प्रजेंट एज एजिस ऑफ क्या क्या है राहुल एंड हरुण, दोनों की प्रजेंट एज को हम क्या एज्यूम करेंगे, देखिए जो रेशियो गिवन होता है उसी से हम एज्यूम करते हैं। राहुल की एज को हम क्या एज्यूम करेंगे 5x, और हरुण की एज को 7x। लेट द प्रजेंट एजिस ऑफ राहुल एंड हरुण्स आर क्या क्या लेंगे 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए हमने राहुल की एज परसेंटेज 5x एज्यूम कर लिया है, और हरुण की एज 7x एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए उसने बोला है 4 year लेटर, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 year लेटर, फोर ईयर्स लेटर, देखिए 4 years लेटर क्या होगा, दोनों की एज क्या क्या हो जाएंगी देखते हैं। 4 year लेटर राहुल एज कितनी हो जाएगी, राहुल एज
कितनी होगी? आज तो परसेंटेज तो 5x है, तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 5x, इसमें 4 साल और ऐड हो जाएगी, ठीक है, 5x प्लस 4 ईयर्स हो जाएगी। और हारून की एज क्या हो जाएगी? हारून एज देखिए परसेंटेज कितना है हारून का? 7x, ठीक है, और आफ्टर 4 ईयर कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 4, इसमें 4 ईयर और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस 4। तो ये दोनों की एज 5x प्लस 4 एंड 7x प्लस 4, ये दोनों की एज कब होंगी? आफ्टर 4 ईयर। अब देखिए दोनों की, हमें इन दोनों की एज से क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन के लिए हमें कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? आफ्टर 4 ईयर दोनों की टोटल एज कितनी है? 56 ईयर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों की टोटल एज, ये दोनों की क्या है एजिस आफ्टर 4 ईयर, दोनों का टोटल कितना होगा? 56। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 एंड 7x प्लस 4, ये दोनों की एज हैं आफ्टर 4 ईयर, दोनों का सम कितना होगा? 56 ईयर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 प्लस दैट, देखिए 5x एंड 7x कितना हो जाएगा? 12x, और 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। तो देखिए हमने ये जो हमें कंडीशन गिवन थी उसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन यहाँ पर बना लिया है। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ से 8 को हम रिमूव करेंगे। इस रेट 8 को ही रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमें माइनस 8 करना पड़ेगा, तो दोनों साइड में क्या करेंगे? 8 सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और राइट हैंड साइड से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस 12x, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से 12 को हटाएंगे, 12 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड को 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 वी गेट। तो देखो दोनों साइड को 12 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 12x है इसको 12 से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड 48 है इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 12 फोर जा कितना होता है? 48। तो देखो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा? 4। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल चुका है। अब देखिए आपने एज्यूम कितना कितना किया था दोनों का एज, दोनों का एज हमने प्रेजेंट एज क्या क्या एज्यूम किया था? 5x एंड 7x। तो देखिए x का वैल्यू तो 4 आ चुका है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 4 20 हो जाएगा। इट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितना होगा? 20। और यहाँ पर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। तो प्रेजेंट एज ऑफ हारून कितना हो जाएगा? 35। तो दोनों का प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं hence present age is of हारून, पहले राहुल ले लेते हैं, राहुल एंड हारून आर क्या क्या होंगी? 5x है ना, तो 5 into
फोर हो जाएगा, एंड सेवन एक्स का क्या हो जाएगा, सेवन इंटू फोर। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं फाइव फोर जा 20 ईयर्स, एंड सेवन फोर जा 28 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों की एज क्या आ जाएंगी, प्रेजेंट एज 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स आंसर।